आज का सवाल पूछा है माइंड सॉल्यूशन ने, सर रेकी क्या है, ये काम कैसे करती है और हम इसका प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। चलिए पहले रेकी समझ लेते हैं, आखिर रेकी है क्या। रेकी मतलब अस्तित्व की ऊर्जा, आप इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी कह सकते हैं और इसके लिए इंग्लिश का बहुत अच्छा शब्द है कॉस्मिक एनर्जी। देखिए आप यह तो जानते ही होंगे कि पूरे इस अस्तित्व में एक ऊर्जा फैली हुई है, या कहें हर पदार्थ, ये सब ऊर्जा है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपने सुना होगा ऑरा, आभा मंडल। यह ऑरा हर पदार्थ हर चीज के आसपास एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है, ये कई कलर का हो सकता है और आप किसी भी चीज को तोड़कर उसकी गहराई में घुसोगे, तोड़ते तोड़ते आपको हाथ में केवल ऊर्जा लगेगी। ये पूरा अस्तित्व ऊर्जा मात्र है और कुछ नहीं। अब इसी विश्व ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप किसी दूसरे को हील कर सकते हैं, किसी का ऑरा रिपेयर कर सकते हैं, यानी आप इस कॉस्मिक एनर्जी को इस्तेमाल करके किसी को भी शारीरिक या मानसिक रूप से लाभ पहुंचा सकते हैं और इसी हीलिंग प्रोसेस को रेकी कहते हैं। हाँ ये काम करता है सच में। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब से यह सृष्टि बनी मनुष्य का जन्म हुआ और मनुष्य ने इस विज्ञान को जाना, तब से ही मनुष्य इस रेकी वाले विज्ञान का इस्तेमाल करता है। अब जो लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं वो इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा अपने गांव में ओझा तांत्रिक को, उन लोगों के पास एक खास दिन काफी भीड़ जमा होती है, लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, दिन कोई सा भी हो सकता है, मंगलवार पूर्णमासी, हो सकता है किसी को शारीरिक प्रॉब्लम हो या किसी को मानसिक, तो ऐसे में वह अपनी परेशानी उस ओझा या तांत्रिक को बताते हैं और वो आंखें बंद करके उनका ट्रीटमेंट करता है। कई मामलों में आपने देखा होगा कि मरीज को इसका फायदा भी मिलता है, वो ठीक हो जाता है, क्यों है ना, ऐसा कैसे। असल में वह ओझा या तांत्रिक रेकी विज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ ये झाड़ फूक भी रेकी विज्ञान का ही एक हिस्सा है। और वो बात दूसरी है कि बहुत सारे ओझा तांत्रिक इस विज्ञान के बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर भी जाने अनजाने वे इस विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जान लेते हैं यह काम किस तरह से करता है। असल में जो हमारे आसपास कॉस्मिक एनर्जी फैली हुई है ये इसी का चमत्कार है। जब कोई व्यक्ति गहरा ध्यान लगाकर उस ऊर्जा को आमंत्रित करता है, उसका आवाहन करता है और विजुलाइज करता है कि वह ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है, उसके एक हाथ से पूरे शरीर में आ रही है और वह दूसरे हाथ से मरीज के सर पर या उसको थोड़ा दूरी से वो ऊर्जा उसे दे रहा होता है और उस ऊर्जा से कहता है कि इस व्यक्ति को जो भी परेशानी है उस परेशानी से मुक्त कर दो। याद रखना इसके लिए आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए उस ऊर्जा पर, उस कॉस्मिक एनर्जी पर, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर जो समस्त विश्व में ब्रह्मांड में फैली हुई है और वह ऊर्जा आपके शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाकर हीलिंग कर देती है और जिसका ऑरा बिगड़ा हुआ होता है, आभा मंडल में टूट फूट हो जाती है, उस वजह से भी काफी सारी बीमारियां शरीर में आने लगती है। जब एक बार आपके ऑरा में प्रॉब्लम होती है तो आपका मन और शरीर नेगेटिव एनर्जी को ग्रहण करने लगता है, जिसकी वजह से शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में आप रेकी के इस प्रयोग से व्यक्ति का आभा मंडल ठीक कर सकते हैं और आज इसका प्रयोग जोरों शोरों से हो रहा है। और हाँ ये भी जरूरी नहीं है कि इसका प्रयोग आप व्यक्ति के बिल्कुल नजदीक जाकर ही कर सकते हैं, आपको जिसको भी हीलिंग करना हो उस पर काफी दूर से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने सुना और देखा भी है, मेरे गांव में एक तांत्रिक है और उनके बहुत सारे शिष्य भी हैं जो दूर शहरों में रहते हैं। एक बार मैं वहां गया हुआ था और मैंने देखा कि उनके पास एक फोन आता है, गुरुजी प्रणाम, मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, रात काफी हो गई है और ऐसे में इस समय तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, बेटी की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, गुरुजी आप कुछ कीजिए। अब ऐसे में वो गुरुजी बोलते हैं ठीक है आप 10 मिनट बाद फोन करना, और मैंने देखा कि उन गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ ऊपर की ओर किए और एक प्रकार का ध्यान लगाया। मुझे ऐसा लगा कि वह अपने पास से कोई शक्ति भेज रहे हैं और 10 मिनट बाद फोन आता है और वह व्यक्ति कहता है गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो चमत्कार कर दिया,
अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। इस पर मैंने फिर उन गुरुजी से बाद में पूछा कि यह सब कुछ कैसे, आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है। उन्होंने बताया कि हमारे आसपास अनंत ऊर्जा का फैलाव है, कोई भी चीज कभी भी नष्ट नहीं होती। चीजों की भारी सतह गिर जाती है, लेकिन हर चीज में एक तरह की एनर्जी ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा सदैव इस विश्व में फैली रहती है। आपको क्या लगता है, पृथ्वी पर जितने भी भगवान हुए वह मर गए, उनकी ऊर्जा कहाँ है? सब यही है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, लाओत्से, ये सब हमारे पास ही हैं और आज भी यह ऊर्जा मानव कल्याण के लिए सदैव हमारी मदद करती है। बस आपको चाहिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आप मानव कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और न जाने मैंने कितने केसेस सुने हैं जहां पर मेडिकल साइंस की बोलती बंद हो जाती है और झाड़ फूक या तंत्र विद्याएं काम कर जाती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसे आम इंसान कर सकते हैं, आप कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। देखिए, इसके लिए आपको पहले पॉजिटिव होना होगा, आपको अपने विचारों को शुद्धतम रखना होगा, और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाता है। देखिए, किसी भी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होती है उस पर पूरा विश्वास। अगर आप इस पे विश्वास करते हैं तो ये आपके लिए है, यह विज्ञान आज भी जिंदा है। और अगर आप इसे अंधविश्वास मानते हैं तो यह आपके लिए कुछ नहीं है, ये आप पर काम नहीं करेगा। पूरे विश्वास के साथ इस कॉस्मिक एनर्जी पर यकीन करके अगर आप किसी पे इस्तेमाल करते हैं, किसी को हील करते हैं, तो ये काम करता है, बिल्कुल करता है। बस ये सारा खेल विजुअलाइजेशन का है। पहले तो आपको यह ऊर्जा खुद ब खुद ग्रहण करना सीखनी होगी। आंखें बंद करके महसूस कीजिए, ध्यान लगाइए कि ब्रह्मांड में फैली कॉस्मिक एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर रही है, भरपूर मात्रा में आ रही है, और उसके बाद दूसरे हाथ से किसी व्यक्ति को डिलीवर कीजिए, वो रिसीव करेगा। अब वो इस चीज को माने या ना माने, वो रिसीव करेगा, उसका ऑरा रिपेयर होगा। तो बस ये कुछ इसी तरह से काम करता है। बस आपको विश्वास रखना है कि हमारे आसपास ऊर्जा है, ये अस्तित्व रहस्यों से भरा हुआ है, और आप इस अस्तित्व पर, इस प्रकृति पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। और अगर आप किसी दूसरे को हीलिंग करते हैं तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह काम आप मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं, किसी का बुरा करने के लिए बिल्कुल नहीं। और अगर आप किसी का बुरा नहीं करते हो और किसी का बुरा नहीं सोचते हो तो आपका बुरा तो हो ही नहीं सकता, क्यों, है ना? तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।